दोस्तों, इंडिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के फॉर्म के बारे में। ए फॉर्म आ चुके हैं, इसके बारे में तो डिटेल से बात करेंगे और इम्पोर्टेंट डेट्स भी इसकी देखेंगे हम। ये आप देख सकते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस है 2020-21 के लिए। तो आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर दीजिए। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और जो 21 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद अपना पूरा फॉर्म फिल करेंगे जैसे BHU जैसे। और मैं आपको साथ में बताना चाहूँगा कि BHU के फॉर्म भरने की लास्ट डेट UGPG के लिए आपके लिए 29 फरवरी है। तो 29 फरवरी से पहले आप BHU के एंट्रेंस के फॉर्म भर दीजिए जो BHU में एडमिशन लेना चाहता है उन छात्रों के लिए। और EMU की भी लास्ट डेट है, 2-3 दिन में ऊपर हो जाएगी EMU की लास्ट डेट, यानी जो 2-3 दिन में लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, तो EMU को फॉर्म भी जल्दी जल्दी भर दीजिए, वो भी इसमें आए हुए हैं। अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के फॉर्म आ चुके हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैसेज फ्रॉम वाइस चांसलर कहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो। मैं आपके लिए इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। आपका फॉर्म देख सकते हैं 21 फरवरी से भरना स्टार्ट हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट है वो 25 मार्च 2020 है। 25 मार्च से पहले आपको फॉर्म भरना होगा, और आपका अगर कुछ फॉर्म में गलती हो जाती है तो आपको एडिटिंग करने का समय मिलेगा। 26 मार्च से 30 मार्च के बीच अपना फॉर्म एडिट भी कर सकते हैं, करेक्शन कर लीजिएगा अगर कोई गलती होती है तो। और आपके इशू जो एडमिट कार्ड इशू होंगे वो 10 अप्रैल से होंगे, जो 15 अप्रैल के बीच में आपकी साइट से, आप जामिया की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। आपका लास्ट डेट फॉर सबमिटेड क्वालिफिकेशन एग्जाम का रिजल्ट आपको सबमिट करने के लास्ट डेट है वो आपको 16 सितंबर से है। 16 सितंबर 2020 तक आपको अपना तो रिजल्ट क्वालिफिकेशन है वो सबमिट कराना होगा यूनिवर्सिटी के अंदर। आपके एकेडमिक सेशन की डेट दी हुई है, कब से आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा आप वो नोट कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है, 30% मार्क्स आपको रिटर्न में लाने जरूरी है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, इंटरव्यू के लिए एलिजिबल या शॉर्ट लिस्ट होंगे, नहीं तो 30% के मार्क कम लाएंगे आप इंट्रेंस टेस्ट में तो आप एलिजिबल नहीं है, अगर किसी में इंटरव्यू होता है तब उनके लिए है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑल पार्ट टाइम और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स हैं जो ओपन किए गए हैं, वो सिर्फ जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, नॉन जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्टूडेंट के लिए नहीं है, वो भी रेगुलर स्टूडेंट के लिए हैं जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट हैं। तो बाहर के छात्र सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स का फॉर्म नहीं भर सकते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। इसमें UG, मैं आपके लिए बता दूँ, UG, PG और रिसर्च MPhil और PhD के लिए फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, तो आप और साथ में हाँ ये भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स भी भरे जा रहे हैं, जो वहाँ के छात्र हैं वही फिल कर सकते हैं। तो आप UG PG और रिसर्च के लिए, यानी रिसर्च में PhD और MPhil में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं या वहाँ से रिसर्च करना चाहते हैं तो फॉर्म आपके भरने स्टार्ट हो गए, जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपको इससे अधिक कोई जानकारी चाहिए तो आपको हमको कमेंट करके बताइए, मैं इस पर और भी वीडियो बनाऊंगा। अभी तो बस मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा था कि इसके फॉर्म आ चुके हैं, आप जल्दी जल्दी फिल कर दीजिए। और भी कोई आपके क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम BHU एंट्रेंस से भी संबंधित तैयारी करा रहे हैं, तो आप वो भी हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हो सकता है आपका इंटरेस्ट जामिया के लिए भी और EMU के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।